Oh, that is absolutely... I can't see that! Once more! दोस्तों आज की इस वीडियो में आप इतिहास के कुछ ऐसे कैचेस को देखने वाले हो जिन्होंने पूरा का पूरा मैच ही पलट कर रख दिया। पर इनमें से पाकिस्तान की धरती पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों द्वारा लिया गया एक कैच इतना ज्यादा रोमांटिक है जिसे देख खुद शाहरुख खान भी शर्मा जाएंगे। लेकिन उन्हें देखने से पहले अगर आप एमएस धोनी के कट्टर वाले फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करना ना भूले। सबसे पहले आप देखने वाले हैं भारत के एक खिलाड़ी द्वारा पाकिस्तान की सरजमी में पाकिस्तानी खिलाड़ी के लिए गए एक ऐसे कैच को जिसने स्टेडियम में मौजूद हर एक पाकिस्तानी को रोने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल साल 2004 में जब इंडिया की टीम 5 मैचों की वनडे सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान के दौरे पर गई हुई थी, पर उस सीरीज के पहले मैच के शुरू होने से पहले ही भारतीय टीम का हर एक खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा प्रेशर में था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दौर में पाकिस्तान के खिलाफ मैच हारना भारतीय दर्शकों के हिसाब से युद्ध हारने के बराबर था और इसलिए वो गुस्से में आ भारतीय खिलाड़ियों के घरों पर पथराव भी शुरू कर देते थे। पर उस मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार बैटिंग करते हुए 349 रनों का विशाल का स्कोर तो खड़ा कर दिया, पर पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने शानदार बैटिंग कर ऐसा माहौल बना दिया कि मानो इंडिया यह मैच हार ही जाएगा। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 48.4 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान 340 रन बना चुका था, यानी पाकिस्तान को जीत के लिए 8 गेंदों में मात्र 10 रनों की ही जरूरत थी। पूरे स्टेडियम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे क्योंकि उस समय क्रीज पर T20 स्पेशलिस्ट शोएब मलिक मौजूद थे और न केवल हिंदुस्तानी बल्कि हर एक पाकिस्तानी को भी यकीन था कि ये बंदा पाकिस्तान को मैच हारने नहीं देगा। भारतीय फैंस के चेहरे पर दुख के बादल गहराए हुए थे, पर तभी कुछ ऐसा होता है जिससे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पूरी तरह से रुक जाते हैं। दरअसल जहीर खान की एक गेंद पर आत्मविश्वास से भरे हुए शोएब मलिक ने जैसे ही चौका मारने की कोशिश की वैसे ही गेंद हवा में चली गई, जिसे पकड़ने के लिए दो भारतीय फील्डर हेमंग बडानी और मोहम्मद कैफ तेजी से मैदान को कवर करते हुए गेंद की तरफ भागने लगे, जिन्हें देख ऐसा लग रहा था मानो ये दोनों आपस में टकरा जाएंगे और ये इम्पोर्टेंट कैच भी पूरी तरह से मिस हो जाएगा। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि मोहम्मद कैफ का घुटना बडानी के सिर से जोर से टकराता है, पर कैफ इस कैच को कैसे भी पकड़ लेते हैं। ये कैच कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बडानी के सिर पर जोर से चोट लगी थी, पर इस कैच की खुशी की वजह से किसी ने भी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। और ये जानकर आपको बहुत ही खुशी होगी कि इस शानदार कैच की वजह से इंडिया ये मैच 5 रनों से जीत गया। पर दोस्तों पाकिस्तान के ही खिलाफ खेले जा रहे एक मैच के दौरान कुमार सांगकारा ने एक ऐसा कैच लपका जिस कैच ने भले ही पाकिस्तान को बैकफुट पर ढकेल दिया था, इसके बावजूद हर एक पाकिस्तानी सांगकारा की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कैच की वजह से सांगकारा का पूरा करियर ही बर्बाद हो सकता था। दरअसल दोस्तों श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे एक मैच के दौरान शाहिद अफरीदी मात्र 12 गेंदों में 28 रनों की शानदार इनिंग खेल चुके थे। वैसे में इनकी विकेट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी ये तो विकेट के पीछे खड़े सांगकारा ही बता सकते हैं, पर जब तिसारा परेरा गेंद को फेंकते हैं तो स्ट्राइकर इंड पर खड़े शाहिद अफरीदी उसे जोरदार तरीके से खेल देते हैं, जिस कारण गेंद तकरीबन 100 मीटर ऊपर चली जाती है, जिसे चील की नजरों वाले सांगकारा भी नहीं देख पाते। पर जब ये गेंद इनको नजर आती है तो ये पीछे की तरफ डाइव लगाकर इस कैच को पकड़ लेते हैं। पर पीछे की तरफ डाइव लगाकर कैच को पकड़ना अपने करियर को बर्बाद करने के बराबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा करते समय इनकी कमर की हड्डी तक टूट सकती थी और ये अपने करियर को अपने आंखों से बर्बाद होता हुआ देख सकते थे। पर दोस्तों ये तो अभी कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे एक भारतीय शेर द्वारा एक ऐसा कैच भी लिया गया जिसके दम पर भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता। दरअसल हम बात कर रहे हैं 1983 में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे फाइनल मैच के दौरान लिए गए एक मैच विनिंग कैच की। हम आपको बता दें कि उस दौर में वेस्टइंडीज को दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में से एक माना जाता था, जिसका प्रमाण उन्होंने हमारी भारतीय टीम को मात्र 184 रनों पर ही ऑल आउट करके दे दिया था। यानी वेस्टइंडीज को 60 ओवरों में मात्र 184 रन ही चेज करने थे। वेस्टइंडीज टीम की शुरुआत भले ही खराब हुई थी, पर जिस तरह से विवियन रिचर्ड्स खतरनाक बैटिंग कर रहे थे उन्हें देख ऐसा लग रहा था मानो वो बहुत जल्द इस मैच को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो केवल और केवल बाउंड्री में ही डील कर रहे थे और इसी वजह से टीम इंडिया की जीत से दूरी लगातार बढ़ती जा रही थी। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मैच का रुख पूरी तरह से ही बदल कर रख दिया। दरअसल हुआ यूं कि मदन लाल की एक बॉल पर विवियन
एंथनी चोट ने मिड विकेट बाउंड्री की तरफ एक खतरनाक वाला शॉट मार दिया, जिस वजह से गेंद हवा में चली गई। हवा में उड़ रही गेंद को कपिल देव ने पीछे की तरफ दौड़ते हुए इस मुश्किल से कैच को बहुत ही कठिनाई से पकड़ लिया। इस तरह से कपिल देव ने एक कैच लेकर पूरे के पूरे मैच का ही रुख बदल दिया। लेकिन दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि अगर ये बैट्समैन आउट नहीं हुआ होता तो क्या होता। पर दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास में महेंद्र सिंह धोनी के बाद मेरे हिसाब से अगर कोई दूसरा सबसे शानदार विकेट कीपर है तो वो है कुमार सांगकारा, जिनका प्रमाण उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल कर इस शानदार कैच को लेकर दिखा दिया। दरअसल इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच एक बेहद ही रोमांचक मैच खेला जा रहा था, तो अभी अपनी ब्रिलियंट विकेट कीपिंग स्किल्स का उदाहरण देते हुए सांगकारा ने विकेट के पीछे आखिरी मिनट में एक इम्प्रोवाइज कैच लेकर इंग्लैंड के बल्लेबाज रवि बोपारा को अपना शिकार बनाया। दरअसल बोपारा कौन सा शॉट किस तरीके से खेलने वाले हैं ये सांगकारा ने पहले ही मेजर कर लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप रंगना हेरात की गेंद पर पैडल स्विप खेलने के लिए रवि बोपारा अपने पोस्चर को जैसे ही थोड़ा सा बैंड करते हैं वैसे ही सांगकारा विकेट से हटकर लेग स्लिप पर खड़े हो गए और रवि बोपारा को कैच कर मैच को ही टर्न कर दिया। पर एमएस धोनी ने भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे एक मैच के दौरान सांगकारा का एक ऐसा कैच लपका जिसे देख सांगकारा भी मान गए कि विकेट कीपिंग के मामले में धोनी से बेहतर कोई नहीं। दरअसल इस मैच के दौरान जहीर खान की गेंद कुमार सांगकारा के बैट का एज लेकर बाउंड्री की तरफ जा रही थी कि एमएस धोनी ने किसी चीते की तरह छलांग लगाकर इस असंभव से लग रहे कैच को पकड़ सांगकारा को ये बता दिया कि धोनी किस बला का नाम है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया मगर लाहौर में गधों का कारोबार अचानक चमक उठने से गधा पालने वाले लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे। कैमरामैन मोहम्मद सादिक। पाकिस्तानी लीडर वो बातें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। और पाकिस्तानी क्रिकेटर कितने ज्यादा फनी है ये बात तो आप सभी भली भांति जानते ही होंगे। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोना। पर यहाँ पर कुछ ज्यादा हो गया। दरअसल दोस्तों, आप जिस कैच को देखने वाले हैं वो क्रिकेट का सबसे अनोखा और फनी कैच है, जिसे पाकिस्तानी फील्डर हारिस राउ और मकसूद ने किया। दरअसल इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे एक मैच के दौरान पाकिस्तानी बॉलर हसनैन की एक गेंद को मोइन अली ने 6 रन के लिए उठा दिए, जिसे पकड़ने के लिए बाउंड्री पर खड़े दो फील्डर हारिस रऊफ और मकसूद तेजी से दौड़ पड़े, पर रऊफ ने कैच को पकड़ा और मकसूद ने हारिस रऊफ को पकड़ लिया। इसके बाद मकसूद और रॉव के कैच को पूरे पाकिस्तान के बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे लोगों द्वारा इतना ज्यादा ट्रोल किया गया कि ये वीडियो टिकटॉक पर ट्रेंडिंग करने लगा। पर दोस्तों, इस पूरी की पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि मैच केवल शानदार बैटिंग और शानदार गेंदबाजी के दम पर नहीं जीते जाते, बल्कि अगर शानदार फील्डिंग और शानदार कैचिंग न किया जाए तो जीता हुआ मैच भी कोई भी टीम हार सकती है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर कपिल देव ने विवियन रिचर्ड्स का वो शानदार कैच नहीं लपका होता तो भारत आज अपना पहला वर्ल्ड कप नहीं जीत पाता। पर दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और शानदार वीडियोज को देखते रहने के लिए आप अपने छोटे से भाई के छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।